हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उत्तेज मिश्रा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टिंकर तेज चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे डिजिटल लोन लिया हुआ है, अगर आप उस अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका लोन कम्प्लीट हो गया है और आप उस अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हैं जो लोन अकाउंट आपके अकाउंट के साथ शो हो रहा है, जैसे कि आप बीओबी वर्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वहाँ पर आपको आपके सेविंग अकाउंट के साथ आपको लोन अकाउंट भी वहां पे दिखाई देता है। तो दोस्तों, कैसे हटेगा, कैसे क्लोज होगा, उसके बारे में बताएंगे। और आपको बता दें कि यहां पे मैंने जो पिछले वीडियो कुछ बनाए हैं पुराने, जिस पे मैंने बताया था डिजिटल लोन कैसे मिलता है, तो अगर आपने वहां पे लोन लिया हुआ है या आप लोन लेने वाले हैं, आप लोन लेके बीच में ही उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है, पूरी डिटेल में इस वीडियो में यही चीज़ें आपको यहां पे मैं बताने वाला हूं। और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको टाइम थोड़ा सा देना होगा और 10 मिनट का प्रोसेस है और ये बंद हो जाता है और आपके अकाउंट में 10 मिनट के बाद ही जो है गायब हो जाता है, अकाउंट शो होना बंद हो जाता है। क्योंकि ये मैंने अपने साथ खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने खुद लिया हुआ था, मैंने इसीलिए वीडियो भी बनाया था और आज भी इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कैसे लोन अकाउंट को क्लोज करना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हैं चैनल पे और रियलिटी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को थोड़ा लास्ट तक ज़रूर देखिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपको कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल लोन के बारे में। अगर आपने डिजिटल लोन लिया, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक डिजिटल लोन मिलता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले तो कुछ नहीं करना होता था, डायरेक्ट प्री अप्रूव्ड होता था और जितना शो होता था उतना एक लोन तुरंत मिल जाता था। आप जैसे ही अप्लाई करते थे, विथ इन 2-3 सेकेंड में आपके अकाउंट में एडजस्ट हो जाता था, क्योंकि वो अकाउंट पहले से ही प्री अप्रूव्ड होता था। अब क्या है कि आपको अप्लाई करना होता, वही सेम ऑप्शन है, वहाँ जाके आपको कितना चाहिए वो अप्लाई करना होता, सेम वही इंटरेस्ट वगैरह 16% होते हैं, तो इस तरीके से आपको पहले से ही वो प्री अप्रूव्ड आपका सारी चीज़ें रहेंगी, आपको जो है मिल जाएगा। तो ये रहा यहाँ पे डिजिटल लोन के बारे में। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने डिजिटल लोन लिया हुआ है, उसको आपको बीच में ही क्लोज करना है, बंद करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है, तो बता दें कि इसका ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं, आपको ब्रांच जाना होगा और जब ब्रांच आप जाएंगे तो वहाँ पे आप उस लोन अकाउंट को क्लोज कराएंगे। आप वहाँ लोन डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि सर हमारा ये लोन अकाउंट जो है क्लोज करना है, तो वो क्या करेंगे, जितना आपका लोन का अमाउंट बाकी होगा, जो आपने लोन लिया है उस पर जो बाकी अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो सिर्फ लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपसे पूरा लेके उस लोन अकाउंट को क्लोज कर देंगे और आपको कुछ नहीं करना होगा। सेकंड, अगर आपने यहाँ पे लोन लिया हुआ है और लोन पूरा हो गया, मतलब आपने फुल कंप्लीट कर दिया, लोन का जो टेन्योर है आपने पूरा लोन कंप्लीट कर दिया, तो अब वो लोन अकाउंट आपके मोबाइल में शो हो रहा है, जैसे कि बीओबी वर्ड में आप नेट बैंकिंग जाते हैं वहाँ पर लोन अकाउंट वो शो होता है, तो अब उसको आप हटाना चाहते हैं, आप कस्टमर केयर पे बात करते हैं तो वो बोलेंगे आपको एनओसी लेना है, तो बता दें कि एनओसी वगैरह आपको इसमें नहीं लेना होता है, आपको लोन अकाउंट क्लोज करने के लिए डिजिटल आपको ब्रांच में जाना होगा, सिंपल से आपको थोड़ा सा टाइम देके ब्रांच में जाना होगा और ब्रांच में आपको सीधा लोन डिपार्टमेंट में जाना होगा जहाँ पर लोन वगैरह देते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप किसी से भी वहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई ना कोई बंदा लोन के बारे में वहाँ पर देखता रहता है, जहाँ पर स्टाफ कम रहते हैं, तो आपको वहाँ पर जाना, उनसे बोलना है कि सर मैंने डिजिटल लोन लिया हुआ था और उसको मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मुझे इसको क्लोज कराना है अकाउंट को, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो वो क्या करेंगे कि आपसे पासबुक लेंगे, आपको पासबुक लेके जाना है और कुछ डॉक्यूमेंट आपको नहीं ले जाना है, कि ये एप्लीकेशन लिखना, तो कुछ नहीं ले जाना है, बस उनको देना है। वो क्या करेंगे, सिस्टम में तुरंत 1 मिनट लगेगा, उसको तुरंत वहाँ से क्लोजर रिपोर्ट डाल देंगे और जस्ट वेरीफाई होगा, और किसी केस में तुरंत वेरीफाई हो जाता है और तुरंत लोन अकाउंट क्लोज हो जाता है। मेरे केस में क्या हुआ कि मैं भी गया था और मैंने दिया वहाँ पे, बस 5 मिनट के अंदर उन्होंने कर दिया, बोला कि 1 डे टाइम होता है और आपके जो शो हो रहा है आपके मोबाइल में एप्लीकेशन में, वो वहाँ से शो होना बंद हो जाएगा 1 दिन के बाद। वैसे तो तुरंत हो जाता है, मगर अगर नहीं होता तो 1 दिन टाइम लगता है। तो अब दोस्तों क्या हुआ कि मैंने जैसे वहाँ पे दिया और मैं घर जैसे आया, मैंने चेक किया तो देखा तो लोन अकाउंट गायब हो चुका था। पहले अभी 1 महीने पहले पूरा हो गया था, अभी तक शो कर रहा था जब तक मैंने ये लोन अकाउंट क्लोज नहीं कराया था। फिलहाल अभी क्या है कि वो बंद हो गया,
तो आपको भी क्या करना होगा, जाना होगा ब्रांच अपने जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, खाता है, वहाँ पे उस ब्रांच में जाना होगा और उस ब्रांच में लोन अकाउंट को वहाँ से क्लोज कराना होगा। और कुछ एप्लीकेशन, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं देना होता, बस पासबुक ले जाइए और वहाँ पे अकाउंट नंबर आपको बताना होगा। उसके बाद आप सिंपल से घर पे आइए, आपका जो लोन अकाउंट है वो कट जाएगा। हाँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर फीस लगती, ये लगता, कुछ नहीं लगता। लोन अकाउंट क्लोज करने का एक रुपये भी नहीं लगता, मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसमें भी बता रहे हैं कि आपको कोई भी यहाँ पे एक रुपये भी यहाँ पे नहीं देना है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा अपडेट, छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी आप कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कमेंट में पूछिए या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे मैसेज करिए। और कुछ और वीडियो देखने हैं, और जैसे कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड, तो भी चैनल पे वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो करते हैं कि एंड। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।